चाहूँगा कि बच्चे के लिए बड़ा परेशान है, समझे कि नहीं, पहले WE में एडमिशन होता है, उसके बाद कहा जाता है, जब पास कर जाता है अच्छा नंबर लाता है, क्या गरीब घर से बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा जा सकता है? तो ये हमारे सरकार को जिस जाया गया केजरीवाल, केजरीवाल ने कहा था कि एजुकेशन फ्री होगा, तो ये कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है गरीब बच्चों के साथ? तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स आए हुए हैं, आप बताएं, आपके बच्चे हैं जी? बताएं, बच्चे हैं आपके, किस क्लास में आपके बच्चे? कब से यहाँ पे दाखिला नहीं ले रहा? जब से पास किया तब से दाखिला नहीं ले रहा है? जब से पास हुआ आपका बच्चा तब से दाखिला नहीं हुआ है? कि मतलब ये यहाँ का प्रिंसिपल जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कि भाई पैसे पे दाखिला होगा या फीस भरिएगा तब दाखिला होगा, यही कहने के मतलब है ना? अब देखिए पेरेंट्स जो है आज धूप में जो है खड़ा है और बहुत दुख के सामना करना पड़ रहा है। कुछ पेरेंट्स ऐसे कि रो करके बोला है कि भाई मैं पैसा नहीं भर सकती, कहाँ से भरूँगी, मेरा कमाई नहीं है, मेरा बच्चा जब पहले से पढ़ रहा था तो 12वीं तक के यहीं पर एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं जो बात करना चाहेंगे? बात कर लो, एक मिनट बात कर लो। आपके बच्चे हैं? बच्चे आपके नहीं, आपके बच्चे हैं सर जी? किस क्लास में आपके बच्चे हैं? तो सर मेरा भी 8th में गया है, 9th क्लास के बच्चों के साथ। अच्छा अच्छा, इसका बच्चा जो 8th क्लास में हो सकता है, आने वाला वक्त आपके साथ भी किया जा सकता है ना? तो इसीलिए पहले से सतर्क हो जाइए कि भाई अब जो है हमें ऐसा नहीं होने देंगे। जो है मतलब वहाँ से आ गया है तो इसको जो मतलब रिजेक्ट क्यों कर दिया जा रहा है? जी 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 सर, मैं आपका बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके बिल्कुल 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 आपके सर। तो कोई बात नहीं, आइए जी, बोलिए ना। हेलो, मेरा नाम सौरा गोयल है, मैं क्लास 7G में पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, कितनी अच्छी तरीके से बच्चे एजुकेशन लेकर के आए हैं और बच्चे मजाक कर रहे हैं। तो बेटा आप पर बड़ा परेशान है, कहाँ पे थे आप? ऊपर में बैठा दिया था, क्लास में दाखिला नहीं होने के लिए दिया था, दाखिल होने के लिए। इसमें बच्चे देखिए कितना परेशान है, धूप में छोड़ दिया था, एक कमरे में बैठा दिया गया था। इसका पेरेंट्स से देखिए कैसे रो रही है, हमें दुख की बात है। इस पेरेंट्स से क्या नहीं पढ़ेगा, पढ़ पाएगा ये अच्छे स्कूल में? तो पहले ही बोल दिया जाता है, जब बच्चे फर्स्ट क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के पहुँच जाता है और 9th में एडमिशन लेने के लिए। आप देखिए ये बच्चा भी जो है कितना जी, देखो ये बोल रहा है कि भाई क्या बोलूँ मैं जी, आप ये बच्चे भी आप भी बोले चलो ये बच्चा बेटा बेटर बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? हर्ष नाम है बच्चे का। समझे कितना परेशान है ये बच्चा, और इस बच्चे को जो है मतलब कि अंदर स्कूल में स्कूल एजुकेशन प्रशासन जो है इसको हटा दिया गया है कि पैसा अगर दाखिला लेना है तो पैसा दो, फीस भरना होगा। इस गरीब फैमिली जिसके पास खाने का नहीं है, 2 दिन से स्कूल में धरना दिए हुए हैं, जिसके पास पैसा नहीं रहने की वजह से जो है मतलब कि बच्चे को यही सोचे बच्चे का करियर इन टाइम पर कहाँ जाएगा पेरेंट्स से, समझे कि नहीं? अब देखिए ये बच्चे का फैमिली जो है हर माँ है भाई साहब, रो रहे हैं जी। ऑर्डर की जो कॉपी दी है उनको दे दे रहे हैं जी 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 फोटो कॉपी को दे दो जी। आप पेरेंट्स हैं जी, आपका भी बच्चा इसमें पढ़ते हैं? आपका बच्चे का दाखिला हो गया मैडम? अच्छा अच्छा, किस क्लास में आपका बच्चा? 8th क्लास में। आप ऐसा मैंने आगे चल करके भी हो सकता है, 12वीं तक तो फ्री क्लास है ना, तो होना चाहिए ना फ्री क्लास 12वीं तक जी। बेटा आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका भी दाखिला नहीं हुआ, आपकी ये माँ जा कर करके ये अच्छा सारे बच्चे। अच्छा तो भाई क्लास में एंट्री नहीं लिया आपको? अच्छा क्लास में एंट्री नहीं लिया। बताओ बच्चे कितना मतलब मतलब सौरव फील कर रहा है, धूप में बैठाया गया बच्चे को, मतलब आनंद फानंद में बच्चे इधर उधर मतलब कि भाग रहे जी। जी बेटा बोलो बेटा, वो मतलब कि बच्चे को दाखिला नहीं लिया जा रहा WE वाले में, तो उसको हटा दिया जा रहा है, फीस दोगे तो गरीब बच्चे कहाँ से आएगा पैसा? नहीं करोगे तो आपको नहीं बोला, आपको दाखिला हो गया? हाँ बेटा दाखिला हो गया ये तुम्हारा। चलो हाँ, ये सब जो पेरेंट्स जनरल से है ना जी जी, आप जो बेटा आपका दाखिला हो गया है? नहीं 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 हुआ। किस क्लास में है आप? 9th में। अच्छा 9th में गई है, तो क्लास में एंट्री नहीं दिया आपको? नहीं। तो ये आपकी बेटी है, देखिए आपका नाम क्या हुआ मैडम? देखिए ये मैडम जो है बड़ा मतलब परेशान के साथ सामना करना पड़ रहा है, ये भी 2 दिन से धरना दिए हुए हैं, 12-12, 13-13 घंटा स्कूल के बाहर खड़ी रहती है। सोचने वाली बात है कि ये बच्चा इतनी अच्छी बच्ची है, पढ़ने में तेज है, अगर इस स्कूल में दाखिला नहीं होगा इन टाइम में कहाँ पे पेरेंट्स से ले जाएगा, कहाँ पे एडमिशन होगा, ये सोचने वाली बात है। इसलिए एजुकेशन मैनेजिंग डायरेक्टर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को दाखिला लें और किसी तरीका के इसके साथ दुरुपयोग ना करें। समझे कि ना, अमीर हो या गरीब हो, सब बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा और पढ़ करके ही रहेगा। जब एजुकेशन डायरेक्टरेट से जब यहाँ से मान्यता मिल गया है तो आपको जो है मतलब कि दाखिला लेना चाहिए जी। बेटा आपका नाम क्या हुआ जी? दीक्षिता। दीक्षिता नाम है इसका। समझे कि ना, आप क्लास में एंट्री लिया था आपने? हाँ, हमने क्लास में एंट्री लिया, हमको असेंबली ग्राउंड में बैठाया था।
देखिए इसको जो है किसी को नाइन्थ का लड़का तो 11B में बैठा रहा है, किसी को 8th क्लास का लड़का है तो किसी और को कहीं पे बैठाया जा रहा है, किसी को धूप में बैठाया जा रहा है, कहीं कहीं पे बैठाया जा रहा है। बच्चे बहुत परेशान हैं, उसके पेरेंट्स परेशान हैं, कुछ गार्जियन तो मतलब रो रो को भी हाल है, मैं बता नहीं सकता। ये जो है उनका एक पेरेंट्स है, आप भी बताएं थोड़ा सा मैडम। सर इनको कोई क्लास नहीं दी जा रही है, कोई एजुकेशन नहीं दी जा रही है, बच्चों को अलग बिठाया जा रहा है, मतभेद किया जा रहा है और जनरल वालों के सामने किया जा रहा है। जी 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 एक यूनिवर्स वाले कोई घर नहीं है क्या? आप चार महीने इतने सालों अपने बच्चे पढ़ाए, उसको आपने क्लासरूम पे दिखा दिया जनरल वालों को, ये जनरल वाले यूनिवर्स वालों को बिल्कुल अलग कर दिया। अब देखें यहाँ पे जो है मतलब नीचे नजर से बच्चे को देखा जा रहा है कि गरीब घर का बच्चा यहाँ पे नहीं पढ़ पाएगा। क्या ये स्कूल बनाया गरीबों के लिए बनाया है? जो फिर पहले मतलब की ऐसा क्यों कहा है? तो मैं कहूँगा कि मैं बेटा हाँ ये सब जो है मतलब पेरेंट्स से मैं बात कर रहा हूँ और बाल भारती के बाहर पेरेंट्स सारे मतलब की चारों तरफ से मतलब लगे हुए हैं, अपना सब कुछ बचा हुआ है, लेकिन यहाँ एजुकेशन मैनेजिंग डायरेक्टर का कोई भी सर में नहीं आ रहा है कि मैं बच्चे के साथ जो परेशानी का सामना कर रहा हूँ, पेरेंट्स को सारा परेशानी का सामना कर रहा है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई मतलब नहीं है इससे। समय में बच्चे का करियर की बात है। और पेरेंट्स से कुछ बोलना चाहेंगे जी? आपका बच्चे बहुत ज्यादती हो रहा है और पेरेंट्स के साथ भी है, तो घास पे बैठाया बताइए। ये बोला कि घास पे धूप में इतना कड़कड़ी धूप है, इतना शिद्दत की धूप है और उसको जो धूप में बैठाया गया, तो सोचने वाली बात है कि पेरेंट्स से जब कहाँ जाएंगे, बच्चे को इन टाइम पे कहाँ पे दाखिला लेंगे, समझे कि नहीं? और भी आप सर मैं तो यही चाहूँगी जब इन्होंने 8वीं तक बच्चों को पढ़ाया, EWF की गाइडलाइन, ये जो है DO की गाइडलाइन वगैरह नहीं मान रही है, इन्होंने 8 तक पढ़ाया है। DO को गाइडलाइन जब एजुकेशन जब ये दे चुका है कि भाई दाखिला लिया जाए, तो इसका कोई ये नहीं है, एकदम दाखिला होगा आपका बच्चे का और पढ़ेगा यहाँ पे और यहीं पे पढ़ेगा। क्योंकि शुरुआत में तो ये होता है जब फॉर्म का टाइम आता है तो बोला जाता है कि 12वीं तक के फ्री पढ़ाई होगा, और जब जो है बच्चा जब जी देखो जो जिनकी गुंजाइश थी वो जनरल में चले गए, हमारी गुंजाइश रही हम नहीं जा पा रहे, नहीं हम जा पाएंगे। जी 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 हमारा बस कहना यही है कि 8th क्लास के जो बच्चे 9th में आए उन्हें 12th तक जो शिक्षा पूरी दी जाए। देखिए पेरेंट्स से कहना है कि भाई जो जनरल में चला गया वो जिसका सलाहियत था वो एंट्री ले लिया, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं अपना किस हाल से मेरा घर के खाने का खर्चा चलता है, लेकिन अगर दाखिला शुरुआत में हो गया था तो ये सब पहले ही बता देना चाहिए था कि 8वीं तक के पढ़ेगा, उसके बाद बच्चा को हटा लिया जाएगा, तो एक साल पहले में फ्री हो जाता जी। बता देते जब हमारे बच्चे का एडमिशन हुए थे जी, शुरू में सर हुए थे तब बता देते कि हम 8th तक पढ़ाएंगे तो हम इसी स्कूल का नाम ही नहीं लेते, किसी और का नाम भरते हो सकता था। हमारे पेरेंट्स से ये निश्चित हो गया था कि 12वीं तक के हम फ्री है, कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, पेरेंट्स से ये निश्चित हो गया था कि मेरा बच्चा यहाँ से कुछ बन करके निकलेगा, 12वीं अच्छा करके निकलेगा, लेकिन जब 8वीं पास करता है तो पैसे का डिमांड करता है प्रिंसिपल, तो हम कहाँ से लाएंगे मिडिल क्लास इस तरीके का फैमिली का, ये कहना है। और एक मैडम बात कर रहा था, मैडम ये बोला मेरी बेटी भी 9th में गई है, उसका भी एडमिशन नहीं हुआ। जी जी बेटा क्या नाम हुआ बेटा? ये बच्चा देखिए कितना परेशान है, पढ़ने वाला लड़का है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, समझे एजुकेशन लेना चाहता है बच्चा, और बीच में अगर किसी तरीके का बाधा आता है तो बच्चे का मैनुअल टूट जाता है, समझे पेरेंट्स का मैनुअल टूट जाता है, कितना दुख है। बच्चा देखिए कितना हरासमेंट है, मतलब बच्चे के साथ जो टीचर लोग भी हरासमेंट किया है और उसको जो है बैठाया गया घास पे, जो है धूप में बैठाया गया, समझे बच्चे का सोच क्या होगा आगे चल करके। और एक पेरेंट्स से आए हुए मैं बात करूंगा जी, बात है मेरा बच्चा 8th क्लास में जी 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 9th में प्रमोट हुआ है। अच्छा ये बच्चा जो है 9th में प्रमोट हुआ है, इसका भी जो है नीचे बैठा है। जी बेटा बताइए कहाँ पे बैठाया गया था? एक लैब में बैठाया गया था। जब बताइए लैब में बैठाया गया था, इसको जो है स्कूल के क्लासरूम में भी दाखिला नहीं दिया जा रहा कि एंट्री चलो एट ए टाइम कहीं पे अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो अच्छे जगह पे बैठ जाए, उसको बाहर बैठा दिया जा रहा है, लैब में बैठा जा रहा है जहाँ पे पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, और बच्चे को पॉल्यूशन से बचाने के लिए इतना सरियत लग रहा है, लेकिन जो है सोचने वाली बात है कि बच्चा जो है कितना दुखी है। जो भी टीचर मिलने आ रही है बड़ा बदतमीजी से। अच्छा जो भी टीचर यहाँ पे आ रहा है मिलने के लिए पेरेंट्स के खिलाफ बदतमीजी से पेश आ रहा है, समझे नोट रिस्पेक्ट, ये बोल रहा है कि पैसा दोगे तभी दाखिला होगा, फीस दोगे तभी दाखिला होगा, तो ये बात पहले ही कहना चाहिए था एजुकेशन डिपार्टमेंट की। अगर बच्चे बात कर रहा है जी, अब अच्छा
आप एक पेरेंट्स हैं नहीं बेटा, आज हम स्कूल में गए थे तो फिर मैम आई थी, मैम ने बोला था क्या कहते कि कल से आप आए क्यों, आपके पेरेंट्स को मना तो कर दिया था कि आपको नहीं आना, तो फिर कल से मत आना। देखिए ये बच्चा को कहा जा रहा है कि भाई कहाँ जाएगा, इन टाइम में एडमिशन कहाँ लेगा, पेरेंट्स इतना बेहाल है कि कहने नहीं है। और दूसरा है कि ये बच्चे को कहा जा रहा है, बच्चे का एजुकेशन में और माइंड में क्या फर्क पड़ेगा, तो आप लोग को पता नहीं है। एजुकेशन से अभी से मतलब बाहर किया जा रहा है, एजुकेशन से आने वाला वक्त बच्चा इसी में जो है भिड़क जाता है, गलत ये दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। बच्चे को कह दिया है कि कल से नहीं आना है, इसको आना होगा तो फीस लेकर के आना होगा। पेरेंट्स यहाँ उतना सक्षम नहीं है कि मैं अपने बच्चे को यहाँ से फीस भर सकता हूँ। जब एडमिशन दाखिला के टाइम में शुरुआत में जब एडमिशन हुआ तो पहले बता दिया जाता है, मैं अपने बच्चे को पहले से अरेंजमेंट कर करके दूसरे स्कूल के लिए बात करता है, लेकिन इन टाइम पर पास कर जाता है मेरा बच्चा। और यहाँ डिमांड किया जाता है कि बाल भारती स्कूल में कि भाई जब फीस जमा करोगे तब बच्चे का दाखिला होगा, नहीं तो कल से नहीं आना। ठीक है बच्चा, आप भी पढ़ते हैं इसी स्कूल में, तो किस क्लास में बेटा? 9th में गई है। तो क्लास में एंट्री दिया था आपको? लैब में बैठा, मतलब टीचर नहीं आया अपन क्लास में? बताइए कितना दुख की बात, ये बच्ची पढ़ने वाली है, आगे चल कर के कुछ डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, बहुत सारी चीज़ें बनना चाहती है, लेकिन जो है अभी से एजुकेशन बच्ची के साथ हटाया जा रहा है। तो सोचिए कि एजुकेशन प्रशासन के कितना मतलब किस स्तर में आनी चाहिए, समझे कि आप बेटा किस क्लास में आप सब? अच्छा 9th में गए, आपको भी मतलब कि वही जो जनरल बच्चा उसको पढ़ाई करवा रहा, जो डब्ल्यू ए वाला था उसको जो बाहर भेज दिया, तो बच्चे इसका जो सिलेबस कितना आगे बढ़ रहा होगा? तो एक महीने बाद बता रहे कि पेपर है। अब एक महीने के बाद पेपर भी शुरू होगा, इसकी तैयारी नहीं होगा तो बच्चे क्या करेगा? बच्चे सेंटर में इसी में तो कुछ करता है, तो इसका जिम्मेदार अगर बच्चा कुछ करता है तो कौन होगा जिम्मेदार? ये यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर बाल भारती का होगा जिम्मेदार? समझे कि नहीं? सोचने वाली बात है, ये पहले 2 साल पहले कहना चाहिए था। तो ये बच्चे बड़ा परेशान है, और ये बच्चे को ये भी बोल दिया गया है कि कल से स्कूल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा लाओगे फीस भरोगे तब आना होगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं आएंगे। और तो कहने से कुछ बोलना चाहेंगे? जी बेटा बोलो बोलो, आपको भी काम है, आपको कहाँ बैठाया गया था बेटा? हाँ बेटा बेटा बोलो बोलो, लाइव में बैठाया गया था। किस क्लास में है आप? 9th में गया। ये बच्चे को भी लाइव में बैठाया गया, कितना अच्छा बच्चा है। देखिए जो है मुस्कुराता हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने एडमिशन दिलवाया है, फिर मैं 9th में जाएंगे अच्छे तरीके से तैयारी करके और अच्छा स्कूल का नाम पैदा करेंगे। लेकिन नाम स्कूल का पैदा क्या होगा कि यहाँ जो है एजुकेशन को भर कर दिया है, समझे कि नहीं? अब जो है मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे जा रहे हैं जिसको दाखिला नहीं मिल गया, 4-5 बच्चे रो, देखिए बच्चे रो रहे हैं, देखिए बच्चे बच्चे देखिए देखिए बच्चे रो रहे हैं, देखिए। जी बेटा, जी बेटा रोना नहीं है बेटा, रोना नहीं है बेटा, रोना नहीं है बेटा, इतने अच्छे बच्चे हैं। देखिए इस बच्चे को, चलो नहीं रोना बेटा, आप पेरेंट्स हैं क्या? देखिए कि माँ है, इसका पेरेंट्स है, और देखिए बच्चे रो रही है कि मुझे जो है, देखिए सर थोड़ा सा जो है मतलब दुख वाली बात है, देख लीजिए बच्ची जो सर निकल रहा है, गाड़ी चली जाएगी भाई। हम तो सर देखिए प्रशासन को नहीं लाया, समझे कि नहीं? हम सोचे कि चलो क्या मैं जो है मतलब कि जी मैं रोना नहीं है बेटा, दाखिला होगा, टेंशन नहीं लेना है, आप अच्छे बच्चे हैं, आपको जो है यहाँ दाखिला लेने से कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है मतलब कि आज्ञा दे दिया है कि बच्चे को इसको लिया जाए, चाहे किसी भी हाल में, समझे कि नहीं? इस हाल में बच्चे कहाँ जाएगा? बहुत सारे बच्चे ऐसे पेरेंट्स रो रहे हैं, बच्चे और बहुत सारे बच्चे को मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं, यहाँ पे दाखिला नहीं लिया गया है क्योंकि सिलेबस कुछ एक महीने बाद पेपर भी होने वाला है। अगर सिलेबस क्लियर नहीं होगा तो बच्चे किस तरीके से पेपर देगा? जी आप भी पेरेंट्स हैं जी, आपका बच्चे किस क्लास में? देखे पेरेंट्स से कितना दो चार चार पाँच पाँच घंटा धूप में खड़ा होकर के कि मेरे बच्चे को दाखिला ले लो, समझे कि नहीं? दाखिला ले लो, लेकिन जो है कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है, समझे? बहुत सुनवाई नहीं किया जा रहा है, हमें दुख की बात है। अब मैं एजुकेशन मैनेजिंग डायरेक्टर से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे का पेरेंट्स का दाखिला लिया जाए। नहीं तो देखिए जो है और मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को जो मामला को हल कर करके कल से जो है स्कूल में आए और दाखिला और अच्छी तरीके जिस तरीके से पहले जो है टीचर इसके साथ जो है अच्छा व्यवहार करते थे उसी तरीके से आज भी इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो मैं उम्मीद है कि जो है मतलब कि मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर से एजुकेशन मैनेजिंग डायरेक्टर से मेरा उम्मीद है कि बच्चे कल से दाखिला ले लेंगे आप, और मुझे उम्मीद है कि 100% इसका दाखिला होगा। और मैं ज़्यादा और कुछ ऐसी बात होती है तो मैं फिर दोबारा आऊँगा, और मिशन इंडिया हमेशा आपके साथ है एजुकेशन के लिए, किसी भी तरीके का
नाम जब पैसा आता है मैं आपके साथ हूँ, और चाहे मुझे कानून तक के जाना पड़े, चाहे जहाँ भी जाना पड़े, मैं एजुकेशन के लिए आप लोग के साथ में हूँ और आपके साथ लड़ता रहूँगा और हमेशा लड़ता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।